नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल धीरू भाई ऑफिशियल चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस के 35 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि SSC GD में पूछे जाने वाले हैं। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन है ए सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर और डी आयरन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युतीय का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन है ए सिल्वर, बी लेड, सी कॉपर और डी एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सिल्वर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा यहाँ हम लोग का, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों। ए में क्षार, बी में अम्ल, सी में उदासीन और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए क्षार। सोडा वाटर में रस डालते ही जो बुलबुल निकलते हैं, इसका कारण क्षार के कारण होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड, क्योंकि जब हम लोग सेब को काट के हवा में रखते हैं तो हवा से संपर्क करके, आयरन ऑक्साइड से संपर्क करके उसका रंग भूरा हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसका कारण वह लाल हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लहसुन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन का जुड़ना, बी दिया हुआ हाइड्रोजन का जुड़ना, सी दिया हुआ ऑक्सीजन का अलग होना और डी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। दोस्तों यहाँ पे इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन का जुड़ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस, जो नीला लिटमस होता है, पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों सफ़ेद, लाल, काला, बैंगनी। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर हमारा क्वेश्चन है। नौ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्षार लाल लिटमस को करता है, क्षार लाल लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित, मतलब कि कटा हुआ जो सेब होता है
वो भूरा हो जाता है। वो भूरा किस वजह से होता है, किस चीज़ की उपस्थिति से वो भूरा हो जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों, कैल्शियम, जिंक, आयरन और आयोडीन। जी, इसमें इसका मुख्य कारण आयोडीन की वजह से होता है, जो जिसके कारण वो भूरा हो जाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आयोडीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, मतलब कौन सा ऐसा प्रजाति है जो विलुप्त हो चुका है? ऑप्शन दिया हुआ है डोडो पक्षी, कौआ, हाथी और टाइगर। यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डोडो पक्षी, ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कायिक जनन पाया जाता है, मतलब जो कायिक जनन होता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है? कायिक जनन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आलू में, गेहूं में, नीम में और मटर में। कायिक जनन दोस्तों आलू में पाया जाता है हमारे, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ए, आलू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, नर और मादा का जो युग्मक से संयोजन बनता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, परागकण, निषेचन, मुकुलन और बीजाणु। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों निषेचन, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। 14 नंबर इसमें बोल रहा है, एक लिंगी पुष्प होते हैं, कौन सा ऐसा पुष्प है जो एक लिंगी होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मक्का, सरसों, गुलाब और पिटूनिया। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का, मक्का जो होता है वो एक लिंगी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन ऐसा पुष्प है जो द्विलिंगी होता है? इसमें ऑप्शन दिया है पपीता, मक्का, लकड़ी और सरसों। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सरसों। सरसों जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है। बातें हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, रक्त प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? जल प्लाज्मा में लो दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है लगभग लगभग 90% होती है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 90%। आइए अगला क्वेश्चन, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है दोस्तों, 50 बार, 72 बार, 100 बार और 120 बार। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 बार, मतलब सी। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़कता है लगभग लगभग। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, 18 नंबर। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, बिंबाणु, पल्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं को हम लोग आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म हुआ रेड ब्लड सेल। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19 नंबर। बोल रहा है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? जब हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है तो हमारे शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है दोस्तों? 19 नंबर ऑप्शन दिया है, रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की, खनिज लवणों की। दोस्तों जब हमारे हमको एनीमिया होती है तो हमारे शरीर में जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है,
किस चीज़ के? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर, 20 नंबर। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि मादा एनफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? आंसर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए एड्स, बी कैंसर, सी मलेरिया और डी डेंगू। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब मादा एनफिलीज मच्छर जब हम लोग काटते हैं तो उसके काटने समय मलेरिया होता है, मलेरिया नामक रोग होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर। इस नंबर जो है वो है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार में कौन सा रेडियो आइसोटोप प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, रेडियो सीमा सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस और रेडियो आयोडीन। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेडियो फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडियो फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है? जब हम लोग बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? दिया हुआ आकार का बढ़ जाना, संख्या का बढ़ जाना, आकार का छोटा हो जाना और संख्या का घट जाना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जब हम लोग बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो होती है बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसका ऑप्शन है निकेल, जस्ता, क्रोमियम और सीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्ट्रॉन्शियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, नीला भरा, सेब का हरा रंग, किरमिज, किरमिजी लाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, किरमिजी लाल, किरमिजी लाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर पे दिया हुआ है, कृत्रिम सेटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, कृत्रिम सेटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करते हैं अपने आप को क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, सी दिया हुआ अभिकेंद्र बल के समान होता है और डी दिया हुआ सेटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, अभिकेंद्र के बल के समान होता है, सी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो किस चीज से बनते हैं?
ऑप्शन है लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से, और डी दिया है दोस्तों लोहा कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से। इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 26 का आंसर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से मिक्स करके इसे बनाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान अपेक्षिता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बने। इसमें सबसे पहले दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। मार्कोनी साहब ने हमारे जो थे वो सबसे पहली बार बिना तार के एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल भेजने का काम किया था। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग कौन कौन से बनते हैं, जो हमारे फोटोग्राफी होती है उसमें से मुख्य रंग कौन कौन से बनते हैं। ए दिया है लाल नीला पीला, बी दिया है लाल पीला हरा, सी दिया है लाल पीला हरा, और डी दिया है नीला पीला हरा। दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा लाल नीला और हरा, आर बी जी, रेड ब्लू और ग्रीन। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उस जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे गैस उत्पन्न होती है। बोल रहा है जब हम नींबू के रस को खावर सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है उस पर डालते हैं तो उसमें तेज उत्फूलन होती है, जो वो होता है वो फूलता है बहुत तेजी से, वो किस गैस के कारण उत्पन्न होती है जो उत्फूलन होता है। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है इसका मुख्य कारण दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रासायनिक नाम होता है इसका। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि कौन सी मतलब वो फोटो होती है, किस कोटि की वो फोटो होती है जिसकी प्रिंट जो होती है प्रिंट की जो अवधि होती है वो सबसे लंबी होती है, मतलब ज़्यादा दिन तक चलती है। ऑप्शन दिया है दोस्तों फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत श्याम प्रिंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जिसकी प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, थोड़ा महंगी होती है दोस्तों इसलिए अच्छी भी होती है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों ताप उपक्रम होता है, ताप जो उपक्रम जो होता है वो किस चीज़ पे होता है। इसका ऑप्शन है दोस्तों धनात्मक ह्रास पर, ऋणात्मक ह्रास पर, तटस्थ अवस्था पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक ह्रास पर, प्लस VE पर। ठीक है दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 32 नंबर। बोल रहा है कि किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, हमारे मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है।
आंसर दिया, ऑप्शन दिया है दोस्तों 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, बी दिया हुआ 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, सी दिया हुआ 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में, और डी दिया है दोस्तों 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे होता है, रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, आइए ऑप्शन में देखते हैं। दिया हुआ है कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, और डी दिया है दोस्तों कीटाणुओं की प्लाज्मा बन जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कीटाणुओं की वृद्धि दर जो होती है रेफ्रिजरेशन में वो घट जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। बोल रहा है एशिया का विशालतम पर्वतीय दूरबीन कहाँ स्थित है, एशिया का जो है सबसे विशालतम पर्वतीय पर्वतीय दूरबीन कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन दिया दोस्तों कोडाई कनाल में, ऊटी में, क्वालूर में, नैनीताल में। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वालूर में, क्वालूर में दोस्तों एशिया की विशालतम पर्वतीय दूरबीन स्थित है, क्वालूर में, क्वालूर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है वाहन चलाने हेतु तो पश्च दृश्य दर्पण होता है, वाहन चलाने हेतु तो जो पश्च पीछे देखने के लिए दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है जिसे हम लुकिंग ग्लास भी कहते हैं अंग्रेजी में। दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे साधारण, अवतल, उत्तल और प्रतिलोम। दोस्तों जो लुकिंग ग्लास होता है हमारे गाड़ियों में, वाहन में, वो उत्तल दर्पण होता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं नए वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में।